वक्फ संशोधन बिल पर गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, गुरुग्राम की रैली में बोले, शीत सत्र में वक्फ कानून को सुधार कर सीधा कर देंगे। दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने कल सुबह 6 बजे उतरेगी पूरी सरकार, सीएम के साथ सभी मंत्री विधायक करेंगे निरीक्षण, दिवाली तक गड्ढा मुक्त सड़क का है टारगेट। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला के मारे जाने से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती दुखी, नसरुल्ला को बताया शहीद, लिखा दुख की घड़ी में फिलिस्तीन लेबनान के लोगों के हौसला। असम के सीएम ममता का महबूबा मुफ्ती पर निशाना, बोले नसरुल्ला पर महबूबा दुखी क्यों। महबूबा के पोल कैंपेन रद्द करने पर बीजेपी ने बोला हमला, नेता कविंदर गुप्ता बोले नसरुल्ला की मौत पर इतना दुख क्यों हो रहा है, ये मगरमच्छ के आंसू है, लोग मंचा समझते हैं। नसरुल्ला की मौत पर उमर अब्दुल्ला का बयान, लेबनान में नई जंग के बादल, इसराइल के हमले रोके जाएं, इसराइल पर दबाव बनाए भारत। नसरुल्ला की मौत पर जम्मू कश्मीर के बडगाम में प्रदर्शन, इसराइल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के लिए गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के एलजी जिम्मेदार। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा दिल्ली में जंगल राज है, दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह के अंडर आती है, तुरंत प्रभावी कदम उठाने होंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़, एक कांस्टेबल शहीद, डीएसपी घायल, एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, अब भी छिपे हैं कुछ आतंकी, ऑपरेशन में ड्रोन से निगरानी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 114वें एपिसोड को संबोधित किया, देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को शेयर किया, बोले मन की बात को 10 साल पूरे, आज का एपिसोड पुरानी यादों से जुड़ा। महाराष्ट्र को पीएम मोदी ने दी 11,200 करोड़ रुपए की सौगात, पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहे चुनाव, पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में युवाओं को कुछ नहीं दिया। गांजा वाले बयान को लेकर मुश्किल में फंसे समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी, यूपी के गाजीपुर में दर्ज की गई FIR, अफजाल ने कहा था साधु संत फूंकते हैं गांजा। पश्चिम बंगाल में कल से फिर हड़ताल पर जा सकते हैं जूनियर डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला लेंगे। कोलकाता के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद डॉक्टर नर्स पर हमले को लेकर भड़के। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा आज शाम पहुंचेंगे दिल्ली, 2 दिवसीय राइजिंग राजस्थान नई दिल्ली इन्वेस्टर्स समिट में लेंगे हिस्सा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी होंगे शामिल। हरियाणा के गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की चुनावी रैली, केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, बोले हरियाणा में बिना हमारे सपोर्ट नहीं बनेगी किसी की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस का बड़ा दाव, हरियाणा में 3 दिन चुनावी यात्रा करेंगे राहुल गांधी, 30 सितंबर से शुरू होगी यात्रा। झारखंड चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम सभी विकल्पों पर कर रहे विचार, गठबंधन ही नहीं अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है LJP। यूपी के महोबा में ट्रैक पर मिला बड़ा पत्थर, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा, एक आरोपी हिरासत में। MP के मेहर में खड़े ट्रक से टकराई बस, हादसे में 10 लोगों की मौत, 23 से ज्यादा घायल, टक्कर के बाद बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त, घटना पर सीएम ने जताया दुख। यूपी के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 3 बाइक सवार हादसे का शिकार, 2 की मौत, 1 घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज रफ्तार बस ट्रेलर से टकराई, मौके पर 1 की मौत, 16 यात्री घायल, ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। MP के उज्जैन में कांग्रेस नेता का बीजेपी नेता पर बड़ा आरोप, बीजेपी जिला महामंत्री संजय अग्रवाल का वीडियो शेयर कर प्रसाद को झूठा करने का आरोप, बीजेपी नेता ने वीडियो जारी कर मांगी माफी। यूपी के प्रतापगढ़ में बाघ की दहशत में जीने को मजबूर ग्रामीण, कुछ दिनों पहले एक युवक पर बाघ ने हमला किया था, बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने टीम का गठन किया। छत्तीसगढ़ के जसपुर में भारी बारिश से गिरे 2 कच्चे मकान, हादसे में घायल हुए 2 बच्चों समेत 4 लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के पिंडरीकोंडा गांव में जान जोखिम में डालकर उफनते नाले पार करते दिखे 4 लोग, वीडियो आया सामने। बागपत में बिना लाइसेंस के पेट्रोल पंप संचालित करने का मामला, बीजेपी नेता समेत 4 लोगों पर केस दर्ज। बागेश्वर में एक युवक का हवाई फायरिंग करते वीडियो आया सामने, मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया।
यूपी के नोएडा में 5 साल के मासूम के साथ दरिंदगी, बच्ची के रिश्तेदार पर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में तहसील में कर्मचारी का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, रिश्वत ना देने पर दी जेल भिजवाने की धमकी, जिलाधिकारी से की गई शिकायत। यूपी के श्रावस्ती में उफान पर बह रही राप्ती नदी, आसपास के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। कुशीनगर में 48 घंटों की बारिश बनी आफत, लोगों के डूबे घर, पानी के तेज बहाव से जनजीवन प्रभावित। जौनपुर में बारिश से होली नदी, पालिका की पोल, सड़क पर जलभराव, घरों में घुसा पानी, लोगों को हो रही दिक्कतें। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से हाई अलर्ट जारी, निचले इलाके में बसे लोगों से ऊंचे इलाके में जाने की अपील। बिहार के शिवहर में लगातार बारिश से बढ़ाई परेशानी, बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, कई गांवों में घुसा पानी। नेपाल में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, पशुपति मंदिर के पास भूस्खलन, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, अब तक 112 लोगों की मौत, 72 लापता। नेपाल के काठमांडू में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, कुदरत के कहर के आगे मजबूर दिखे लोग, कई इलाके पानी में डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से हाल बेहाल, काठमांडू जा रही 2 बसों से 14 शव बरामद किए गए। इसराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर ड्रोन हमले किए, हथियारों के भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों को निशाना बनाया, इसराइल ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की। हिजबुल्ला नेता हसन नसरुल्ला के खात्मे के बाद लेबनान सीमा के पास तैनात इजरायली सैनिक, बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायली विमानों की ओर से लगातार हमले जारी। इसराइल ने लेबनान के खियाम गांव पर किया जोरदार हमला, बमबारी में कई इमारतें हुई ध्वस्त, हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार, आईडीएफ का दावा, ये बमबारी हिजबुल्ला के रॉकेट हमले के जवाब। इसराइली वायुसेना ने बेरूत लेबनान के उपनगरीय इलाकों पर भारी बमबारी की, लेबनान की राजधानी के आसपास के इलाकों में फैली दहशत, आम लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के लिए तैयार, भारतीय टीम फाइनल में एक बार बना चुकी है जगह, अक्टूबर में यूएई की धरती पर खेला जाएगा टूर्नामेंट।